हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट 23 के साइंस ऑफ इंटरफेस के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज हर सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए, बीआरएसएससी एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मैं दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, रेलवे और एनएसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इससे प्रैक्टिस का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अभी तक का 90 सेट प्रैक्टिस का वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वहां एनसीईआरटी का कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का, और एग्जाम आने से पहले वहां पर हम कुछ मॉडल सेट के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डालते हैं, वो भी आपको वहां टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा कोई भी नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होता है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी CZWA का गठन किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था? जरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा आंसर में जाने से पहले, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए एनालिसिस देखना बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पीडीएफ इसका जरूर अवेलेबल करवा लीजिएगा जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इसका एनालिसिस देखते हैं। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण जिसे CZWA यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन जो किया गया था वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के लिए विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो आपका आंसर निकल गया होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में इसका गठन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक इसमें से नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सभी घटकों को, सभी प्रकार के घटक को, कंपोनेंट को दो भाग में बांटा गया है, एक अजैविक और दूसरा जैविक। अजैविक मतलब एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट के रूप में बांटा गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैविक और अजैविक किसे कहा जाता है, एनालिसिस पर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना है, इसे जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा अजैविक घटक यानी ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। सबसे पहले देखेंगे जैविक घटक के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है और ये क्या होता है। तो जैविक घटक जो होता है वो इसमें मुख्यतः 3 वर्ग को शामिल किया जाता है, एक उत्पादक वर्ग, दूसरा उपभोक्ता वर्ग और तीसरा अपघटक वर्ग। और आश्चर्य की बात यह है कि तीनों के तीनों वर्ग जो है वो सजीव से संबंध रखते हैं, यानी पर्यावरण में कोई भी क्रियाकलाप अगर ये तीनों वर्ग करेगा तो निश्चित तौर पर पर्यावरण में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसे जैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? यानी प्रोड्यूसर क्लास, कंज्यूमर क्लास और डीकंपोजर क्लास, ये तीनों क्लास को जैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैविक घटक के अंतर्गत बोले तो जीवित जीवों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। इसके अंतर्गत पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत ये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटकों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत निर्जीव घटक को शामिल किया जाता है, उसे अजैविक घटक कहा जाता है, ये बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत वायुमंडल में उपस्थित सभी प्रकार की गैस, जल, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा तथा पहाड़ इत्यादि को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत जलवायवीय कारक जैसे कि जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मिट्टी, खनिज इत्यादि को सभी को अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि आप ध्यान देने के लिए जैविक घटक जीवित घटकों का समूह होता है जबकि अजैविक घटक मृत घटकों का समूह होता है। जैविक घटक का कोई भी वर्ग हो, पर्यावरण कोई भी क्रियाकलाप करेगा पर्यावरण पर उसका प्रभाव निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। अजैविक घटक जो होते हैं वो निर्जीव घटकों के अंतर्गत, निर्जीवों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? तो आपसे पूछा है अजैविक घटक इसमें से कौन सा नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट अजैविक घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो अजैविक घटक है, सौर ऊर्जा भी अजैविक घटक है, लेकिन शैवाल जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्स्क सेकेंड शांति प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मिंस्क फर्स्ट और मिंस्क सेकंड, ये दोनों एक शांति प्रक्रिया सम्मेलन हुआ था। ध्यान दीजिएगा किसके किसके बीच हुआ था, जरा एनालिसिस कर। मिंस्क फर्स्ट की पहले बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन तो मिंस्क फर्स्ट सेकंड पूछा है, लेकिन हम बात करते हैं मिंस्क फर्स्ट से। यह यूक्रेन और रूस के समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिंस्क, बेलारूस की राजधानी मिंस्क है, वहां पर 12 सूत्री संघर्ष विराम समझौता पर सहमति व्यक्त किया गया था। किसके किसके बीच? यूक्रेन और रूस के बीच। और इस प्रावधान में कैदियों का आदान प्रदान करना, यानी इस समझौता के तहत कैदियों का आदान प्रदान करना, मानवीय सहायता प्रोवाइड करना एक दूसरे देश का, साथ ही हथियार को बंद करना या हथियार को हटाना एक दूसरे के सीमा के बीच से इत्यादि शामिल था। लेकिन यह समझौता जो है दोनों पक्षों के बीच उल्लंघन ही से कर दिया गया, दोनों ही देशों के द्वारा यह जल्दी टूट गया, इस शांति समझौता का उल्लंघन कर दिया गया। लेकिन मिंस्क सेकंड इसके तुरंत बाद फिर से आया, रूस यूक्रेन और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के द्वारा, किसी के प्रतिनिधियों ने, रूसी समर्थन अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने फरवरी 2015 में मिंस्क में ही, बेलारूस की राजधानी में ही मिंस्क में ही 13 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी मिंस्क फर्स्ट 12 सूत्री समझौता था, शांति समझौता था यूक्रेन और रूस के बीच, जबकि मिंस्क सेकंड जो था वो 13 सूत्री शांति समझौता था यूक्रेन और रूस के बीच। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया होगा रूस और यूक्रेन, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिंस्क सेकंड शांति प्रक्रिया रूस और यूक्रेन के बीच एक विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को पहली बार 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब एनालिसिस पर जरा ध्यान दें। बात क्या है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। उस समय भारतीय संविधान के संघीय ढांचे में 4 राज्य का चर्चा किया गया था। अब इन चारों राज्यों को भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी के राज्यों में बांट दिया गया था। भाग ए के राज्यों में क्या शामिल था जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल किया गया था भाग ए के राज्यों में। भाग बी के राज्य में किसको शामिल किया गया था, तो विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। भाग सी राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें इसमें शामिल की गई थी, जबकि भाग डी के राज्यों में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में 7वां संवैधानिक संशोधन के तहत संघ शासित प्रदेश की अवधारणा लाया गया, जिसके तहत भाग सी के जो राज्य थे और भाग डी के जो राज्य थे, इन दोनों ही भागों के राज्य को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो हुआ ना केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा का गठन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संवैधानिक संशोधन 7वें के तहत किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था? अब जरा देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण सभा जो थे उसमें कौन कौन शामिल था, जरा इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन संस्कृति के आधार पर भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था और चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। चुनाव का नियम था कि अप्रत्यक्ष रूप से होना था तथा प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक विधानसभा सदस्य को चुना जाना था। क्लियर है? जिसमें ब्रिटिश भारत के 296 कुल सीटों पर चुनाव होना था। इस चुनाव में कांग्रेस को मिला था 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट दिया गया, छोटे दलों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें दिया गया था। लेकिन छोटे दल और स्वतंत्र सदस्य थे कौन, तो उसके अंतर्गत 15 सीटें जो थी वो उसके अंतर्गत यूनियनिस्ट को 2 सीटें, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 सीटें, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति को 1 सीटें, कृषक प्रजा को 1 सीटें, अनुसूचित जाति परिषद को 1 सीट और सिख जिसमें गैर कांग्रेसी थे, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं थे, सिखों को 1 सीट और कम्युनिस्ट को 1 सीट प्रोवाइड किया गया था। क्लियर?
तो आपका इसमें लिबरल पार्टी आ ही गया, लिबरल पार्टी आ ही गया, उदारवादी पार्टी आ ही गया आपका। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट आ गया आपका, कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गया, लेकिन हिंदू महासभा को कोई भी सीटें नहीं दी गई थी, अतः यह संविधान निर्मात्री सभा में शामिल नहीं था, क्योंकि इसका कोई सदस्य ही शामिल नहीं था, कोई सीट इसको मिला ही नहीं, तो यह संविधान निर्माण सभा में आएगा कहां से? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्माण सभा का सदस्य नहीं था हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जरा ध्यान दीजिएगा, बहिर्गमन क्या होता है और इसे सबसे पहले कब लागू किया गया, देखेंगे। कहानी शुरू होती है 1909 ईस्वी में, बंबई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया जिसका उद्देश्य किसानों का भूमि स्वामित्व का अधिकार छीन लेना था, ताकि वे फिजूल खर्ची के कारण अपनी जमीन बेच न सके। तब फिरोज शाह मेहता ने किसानों पर लगाए जाने वाले इस आरोप का खंडन किया और विधेयक का विरोध करते हुए किसानों के अधिकार की वकालत शुरू कर दी, लेकिन सरकार अपने बहुमत के बल पर विधेयक को पारित करने पर अड़ गई। फलतः क्या हुआ कि फिरोज शाह मेहता ने भारत के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व कदम उठाया और वे गोखले, जी के पारेख, बाल चंद्र कृष्ण और डी ए खरे के साथ विधान परिषद से बहिर्गमन कर गए, यानी बाहर निकल गए। तो प्रथम बहिर्गमन का जो नेतृत्व किया था वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अनुच्छेद 352 पर ध्यान देते हैं, तो 352 में आपातकालीन उपबंध की चर्चा किया गया है, जो बाइमर जर्मनी के बाइमर संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। यह आपातकाल के समय उपबंधित किया गया, आपातकाल के समय जो रोक लगाया जाता है, जो प्रतिबंधित किया जाता है, उसमें उसके अंतर्गत उसमें चर्चा किया गया 352 अनुच्छेद में, जिसके तहत तीन प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। एक चर्चा किया गया राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात और तीसरा राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और द्वितीय आपात की चर्चा किया गया है। क्लियर। अब राष्ट्रीय आपात में अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का चर्चा किया गया था, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1972 ईस्वी में हुआ था, 1978 ईस्वी में 44वां संवैधानिक, यहाँ पर सुधार हो सकता है, 44वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ वो 1978 ईस्वी में हुआ था, और इसके द्वारा आंतरिक अशांति को हवाला देकर, आंतरिक अशांति को हटाकर वहां पर सशस्त्र विद्रोह कर शब्द को चिपका दिया गया, जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इसी आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल को लागू कर दिया था, अतः इस शब्द को हटा दिया गया, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया था, जांच करने पर पता लगा, और इसके स्थान पर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर जो है वो एक है। अब आगे देखते हैं, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1977 ईस्वी में हुआ था, इसमें न्यायिक समीक्षा और रीट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया गया था। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, इसे भारतीय संविधान में लघु संविधान की संज्ञा दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार संविधान में कुल 59 प्रावधान, एक तो नहीं बल्कि 59 प्रावधान को जोड़े गए थे, इसी कारण से 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। भारत का 41वें संवैधानिक संशोधन की अगर बात करें तो यह 1976 ईस्वी में ही पारित हुआ था, और इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होंगे उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, तो यह एक नियुक्ति का पद होता है, न कि निर्वाचित पद होता है। प्रधानमंत्री का कभी भी निर्वाचन नहीं होता है, वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
दिया हुआ भी एनालिसिस में अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और किसको नियुक्त करेंगे तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में और इसी प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत इसमें से नहीं होता है। कहने का मतलब अगर औद्योगिक क्षेत्र अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया, क्लियर, इंडस्ट्रियल सिकनेस अगर हो गया मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में उसका तत्काल प्रभाव क्या नहीं हो सकता है, तो इसका तत्काल प्रभाव के बारे में पहले देखेंगे। तो औद्योगिक अस्वस्थता कहते किसको है और इसका तत्कालिक संकेत क्या होता है। तो औद्योगिक अस्वस्थता जो होता है उसका तत्कालिक संकेत जो है वो लाभ में कमी कभी भी नहीं होता है। अब इसका तुरंत यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता है कि लाभ होगा कि हानि होगा, तुरंत इसका परिणाम नहीं निकल सकता है, यह एक तत्कालिक कारण नहीं है। हाँ, यह दीर्घकालिक कारण है कि लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है, क्योंकि औद्योगिक अस्वस्थता जो होगा वो एक दो दिन के लिए तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि आज सुबह में शुरू हुआ, चार मंडी तो है नहीं कि तुरंत इसका परिणाम आ जाएगा। तो औद्योगिक अस्वस्थता जो होता है वह पहले समझेंगे क्या होता है। तो यह आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण बाधा होता है। औद्योगिक बीमारी को ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाता है जो कम उत्पादन वाली मजबूत इकाई को रुग्ण या कमजोर इकाई के बदलने में सक्षम होती है, यानी मजबूत इकाई को कमजोर इकाई में बदल देता है औद्योगिक बीमारी। इन इकाइयों की वसूली और पुनर्जन्म के साथ साथ बीमार इकाइयों की संख्या में कमी के बिना अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, यानी उसके स्थान पर कोई दूसरा इकाई स्थापित किया जाएगा तभी इसका पुनर्जन्म संभव है, अन्यथा इसका पुनर्जन्म संभव नहीं होता है। तो यह तत्कालिक तो है नहीं, अतः लाभ होगा कि हानि होगा इसका तुरंत परिणाम नहीं निकल सकता औद्योगिक अस्वस्थता का, क्लियर। लेकिन श्रमिक अशांति, अब औद्योगिक अस्वस्थता जब होगा मार्केट में, जब इंडस्ट्रियल सिकनेस आएगा, तो ऐसे स्थिति में श्रमिक जो होगा, मजदूर वर्ग जो होंगे उसमें अशांति होगी, बाजार साख का संकुचन हो सकता है, मतलब बाजार साख की कमी हो सकती है, बाजार फैलने से रुक सकता है, बाजार मांग में कमी आ सकती है, श्रम में समस्या उत्पन्न हो सकती है, यातायात और ऊर्जा संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, यह इसका तत्कालिक कारण हो सकता है, क्लियर। तो आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ में कमी हो जाना यह तत्काल संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। तो वैकल्पिक धन के उदाहरण सबसे पहले समझे वैकल्पिक धन क्या है, तभी तो उदाहरण समझेंगे। वैकल्पिक धन या ऐच्छिक धन, या अंग्रेजी में ऑप्शनल मनी जिसे कहा जाता है, वह धन होता है जिसे भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करना है या नहीं करना है प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं होती, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपसे कहा जाएगा कि आप इसको स्वीकार कीजिए या इसको अस्वीकार कीजिए, जबरदस्ती नहीं है, कानूनी मंजूरी इसका नहीं होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रेडिट साधन जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडी इत्यादि को शामिल किया जाता है, अतः इन सभी को ही वैकल्पिक धन माना जाता है, क्लियर। तो इसमें कौन सा है वैकल्पिक धन नहीं, तो वैकल्पिक धन का उदाहरण चेक आ गया, लेकिन सिक्का जो है, करेंसी नोट जो है, बंद पत्र यानी बॉन्ड पेपर जो है वो वैकल्पिक धन नहीं होता है, क्लियर। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, करेंसी नोट आप लेंगे किसी से नहीं लेंगे, हो सकता है आप करेंसी नोट ना लेके सिक्का आप लीजिए, हो सकता है बॉन्ड पत्र ना लेके आप उसे करेंसी नोट लीजिए, तो ये आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन चेक जो है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेना है या नहीं लेना है, तो ये एक वैकल्पिक धन है। वैकल्पिक धन के अंतर्गत ये भी याद रखेंगे चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय इसमें से कौन सा होता है। सबसे उच्चतम वित्त निकाय जो है वो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। जरा देखेंगे एनालिसिस पर, तो सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जैसे एमएसएमई,
क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में काम करती है और इसकी स्थापना यानी सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराना और उद्योग को अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड करना, ये सिडबी का काम होता है। दूसरा ऑप्शन में है इफ्की, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना होती है। यह उद्योग मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए इसका स्थापना किया गया था सांविधिक निगम के रूप में। अगर इफ्की की मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान समय में इफ्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारतीय कृषि ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि विकास बैंक के रूप में किया गया था। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? अभी क्वेश्चन आया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इटबी, ये हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। इटबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा 22 जून 1964 ईस्वी की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 ईस्वी से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। इडबी अगर देखेंगे तो इसका मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे किस ब्लॉक से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व का अगर परमाणु संख्या दिया हुआ रहे और उसको ब्लॉक संख्या निकालने के लिए रहे तो बड़ा आसान है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो उसके अंतिम उपकक्षा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा किस उपकक्षा में मौजूद होगा वह उसी ब्लॉक में स्थित तत्व होगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व का ब्लॉक पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि किसी भी तत्व के ब्लॉक का निर्धारण उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में उपकोष के द्वारा किया जाता है। जैसे परमाणु संख्या 29 वाला तत्व जो है, परमाणु संख्या 29 कॉपर का होता है, तांबा का होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होता है। तो अंतिम जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह किस उप कक्षा में है, ये तो यहाँ तक तो कक्षा भर गया, अब उप कक्षा में कौन सा है तो द्वि उप कक्षा में है। इसका मतलब है कि जिस उप कक्षा में है अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी उप कक्षा को हम लोग ब्लॉक समझते हैं, यानी द्वि उप कक्षा में है तो द्वि ब्लॉक का यह तत्व होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सॉरी डी आपका सही आंसर होगा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती है? यानी खट्टे स्वाद की अनुभूति करना है तो जीव के किस भाग से खट्टे स्वाद की अनुभूति होती है? देख लेते हैं, जीव, ये हमारा जीव है टंग, ये हमारा टंग है और इस टंग में मुख्यतः चार पार्ट होते हैं स्वाद को अनुभूति करने के लिए। पहला तो आगे का, दूसरा जो होता है वो पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग, और एक पीछे का लेटरल साइड होता है दोनों साइड में और एक आगे का लेटरल साइड होता है। क्लियर, एक पीछे का, एक आगे का लेटरल और पीछे का लेटरल भाग। तो आगे यहां पे दिया हुआ है, सबसे आगे का भाग जो होता है वहां से मीठी आवाज, कहेंगे मीठी पानी बोलिए, जब भी आप मुंह खोलेंगे तो मीठा पानी बोलेंगे, तो मुंह खुलेगा तो जीभ बाहर आएगा, तो सबसे आगे में मीठे स्वाद की अनुभूति होती है जीव के, जबकि आगे के ही दोनों साइड में लेटरल साइड में साल्टी यानी नमकीन, मीठा के साथ नमक को रखेंगे, चीनी के साथ नमक को रखेंगे, तो मीठा के साथ नमकीन स्वाद की अनुभूति आगे के लेटरल साइड से होता है। पीछे भाग में चलेंगे तो तीखे स्वाद की अनुभूति होता है, बिट्टर मतलब तीखा, तीखे स्वाद की अनुभूति होता है, और तीखे के साथ हम तीखा को दूर करने के लिए क्या खाते हैं, खट्टा खाते हैं। तो पीछे के लेटरल साइड जो होता है वो सौर यानी खट्टे स्वाद की अनुभूति कराता है। क्लियर, और यहाँ नमकीन, जबकि स्वीट जो होता है वो मीठे स्वाद की अनुभूति कराता है, यानी आगे का भाग
मीठा, आगे का लेटरल भाग नमकीन, पीछे का तीखा यानी तीखा जिसको कहते हैं, और पीछे का लेटरल खट्टा होता है। क्लियर? आपसे खट्टे स्वाद की अनुभूति पूछा है तो पीछे का किनारा भाग हो जाएगा जीभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? जरा ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए पर। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है, साथ ही शरीर की वृद्धि में सहायता तथा शरीर की उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी यकृत करता है। ये भी ध्यान रखेंगे, लीवर के द्वारा ही विटामिन ए का अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए संचयन भी किया जाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक भी होता है विटामिन ए। इस विटामिन की खोज मैकुलन ने किया था, जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो ज़ेरोफेटॉल फाइटॉल होता है तथा इसका अनुसूत्र C20H29OH होता है। विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन ई की कमी से रतौंधी हो सकता है, आंख का शुष्क होना हो सकता है, कॉर्निया में स्फेद फुल्ली पड़ सकती है तथा दृष्टि सांप हो सकता है। आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन हो गया है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हो गया है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, जो असम में स्थित है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह सैटेलाइट फोन क्या होता है, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी स्थान से उपग्रह के माध्यम से सैटेलाइट फोन से आप जुड़ सकते हैं। यह मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन से जुड़ने के लिए आपको मोबाइल नेटवर्क होना जरूरी है, मोबाइल का नेटवर्क होना जरूरी है, लेकिन सैटेलाइट फोन जो होता है वो डायरेक्ट उपग्रह के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप किसी भी एरिया में। तो ऐसे में यह सैटेलाइट फोन वन कर्मियों के लिए शिकारियों पर नियंत्रण कर सकता है और अन्य कोई आपात स्थिति से निपटने में मददगार होती है। समझ गया सैटेलाइट फोन क्या है? अब इस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित एक वन जीव अभयारण्य है, जिसे 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था तथा 1985 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी से संबंधित है? जरा समझेंगे, डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट है क्या? तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एसिड और हानिकारक तत्व से प्रदूषित नदियों के जल को शुद्ध किया जाता है। इसके लिए फाइटोरेमेडिएशन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसमें? डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट में। और इस पद्धति में पानी से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए शैवाल का प्रयोग किया जाता है। लुखा नदी जो है वह मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। यहाँ मेघालय की अधिकांश रेत होल कोयला खादान स्थित है इसी लुखा नदी के आसपास, और यही लुखा नदी का पानी जो है वो कार्बन निकालने के कोयला निकालने के कारण काफी दूषित हो चुका है, जिसको शुद्ध करने के लिए ही डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है। तो ये लुखा नदी से संबंधित है, और यह कहाँ? तो मेघालय की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट जारी किया जाता है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आप समझेंगे कि यह इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा पारिस्थितिकी खतरों, लचीलापन और शांति को समझने के लिए इकोलॉजिकल ट्रेड रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके तहत जनसंख्या वृद्धि, जल तनाव, सुरक्षा असुरक्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और बढ़ते तापमान पर वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो यही है इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट, यानी इकोलॉजी के समझने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसे ही इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है?
वो है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल दिया गया है और वर्तमान समय में इसे राम गंगा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव रखा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को सुरक्षित करने के मकसद से 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से 1936 ईस्वी में की गई थी और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में राम गंगा नदी के द्वारा निर्मित पतली दून घाटी स्थित है, अतः यही कारण है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई लड़की 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड क्वेश्चन है 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है इसे बताना है। क्लियर? तो सबसे पहली बात देखेंगे कि दिया हुआ हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है मास, मास कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम मास दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, पी पावर हमें दिया हुआ है 160 वाट शक्ति से और समय हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड से चढ़ती है, कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू mgh बटे पी होता है, प्रति इकाई समय में जो स्थिति ऊर्जा हो सॉरी जो गति ऊर्जा होगा mgh, स्थिति ऊर्जा जो होगा वह पावर के रूप में होता है। तो पी बराबर हो जाएगा mgh बटा टी। अब पी हमें दिया हुआ है कितना 160 वाट, एम मास हमें दिया हुआ है 40 ग्राम और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, तो इसको 10 मान लीजिए। क्लियर? इसको 10 मान लेंगे, यहीं पर लिख देंगे जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको हम कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। क्लियर? तो हम इसको 10 और हमें हाइट निकालना है। टी हमें दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड का समय दिया हुआ है, 20 गुना 40 काट दीजिए और इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, अब एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाता है, यानी हाइट बराबर हो जाएगा 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। क्लियर? अभी तो स्थिति, अब ऊंचाई पर कहीं ना कहीं ऐसा स्थान पर जाएंगे जहां पर इसका गति जो होगा स्थित हो जाएगा, तो स्थिति जो पी पोटेंशियल बराबर होता है mgh बटा t, प्रति इकाई समय में तय की गई स्थिति ऊर्जा। क्लियर? तो p बराबर mgh बटा t इसी सूत्र पर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2023 में किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू की खोज की गई है। अमोलोप्स सीजू जो है वो एक प्रकार की मेंढक की नई प्रजाति है और ये खोज की गई है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर बी में। जरा एनालिसिस को देखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर गहराई में मेंढक की एक नई प्रजाति जिसे अमोलोप्स सीजू कहा गया इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। जरा देखेंगे किसके किसके बीच हुआ था, तो तालिकोटा के युद्ध को ही बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह राक्षसी तंगड़ी नामक गांव में हुआ था। यह तालिकोटा का युद्ध दक्षिण के सल्तनत तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की इस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य जो है वो राक्षसी तंगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो था वो हार गया था, जिसके कारण से संभवतः विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। क्लियर? तो ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन है निकोटीन, हेरोइन, मारिजुआना या कोकीन। सही आंसर होगा निकोटीन, तंबाकू में पाया जाता है।
देखेंगे तंबाकू के बारे में। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम होता है। इसमें निकोटीन पाया जाता है और इस निकोटीन के प्रभाव से फेफड़े, दिल, आमाशय, मुंह तथा खून की नलियों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक उत्तेजना भी उत्पन्न होती है तंबाकू से। शरीर में जहां जहां यह तंबाकू संपर्क में आता है उन जगहों पर इससे कैंसर होने की संभावना प्रबल होती है, जैसे कि होठों में, मुंह में और फेफड़ों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध अभयारण्य जो है वो बिहार के मुंगेर जिला में स्थित एक अभयारण्य है, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है मुंगेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कौन सी थी? तो वो थी हुगली, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता की स्थापना जो है वो 1690 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉर्ज चारनॉक के द्वारा वहाँ एक व्यापारिक पोस्ट के रूप में किया गया था। व्यापारिक पोस्ट के रूप में इस नगर की स्थापना किया गया था जॉर्ज चारनॉक के द्वारा 1690 ईस्वी में। कलकत्ता का पूर्व नाम अंग्रेजी में कैलकाटा कहा जाता था। इसे अंग्रेजों ने 1772 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। यह हुगली नदी के तट पर स्थित एक नगर है। कोलकाता को काली क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर माँ काली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गोल्ड पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2023 में कई उत्पाद को GI टैग प्रदान किया जाता है। GI टैग क्या होता है इसको जरा समझिएगा। तो GI टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, GI टैग। अब यह जो है भारतीय संसद ने 1999 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिया गया था। यह एक विशेष प्रकार का टैग होता है जो वैश्विक स्तर पर इंडिकेशन के रूप में उत्पाद को प्रदान किया जाता है। भौगोलिक विशेषता के आधार पर प्रदान किया जाता है, यानी भौगोलिक विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग प्रदान किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, गोल्ड पेंटिंग जो है तथा रीवा सुंदरजा आम को, दोनों चीज को, गोल्ड पेंटिंग और रीवा सुंदरजा आम, इसको 11 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट है, मध्य प्रदेश का उत्पाद है। अब जरा कुछ और भी देख लेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ उत्तर प्रदेश, 2023 में ही GI टैग मिलने वाला प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का, जरा ध्यान दे लेते हैं, बनारस पान, बनारस लंगड़ा आम, रामनगर भंटा जो बैगन के रूप में प्रसिद्ध है, आदम चीनी चावल, बखीरा, ब्रासबेयर, वादा, सजर पत्थर शिल्प, अलीगढ़ ताला, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस हिंग, इस सभी को 2023 में GI टैग प्रदान किया गया। ये सभी उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। बिहार का भी एक प्रोडक्ट है जिसे 2023 में GI टैग दिया गया है, वो है मिर्चा चावल, जिसे माचा चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2023 में GI टैग प्रदान किया गया है, जबकि तमिलनाडु में 2023 में तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट है उन्हें GI टैग दिया गया है, वे है कम्बल पनीर, थराचाई, मार्तडम सहद, ऊटी बरकी, माना मदुरई, पॉटरी, सेलम साबुदाना जिसे जवाब ऋषि भी कहा जाता है, ऑथर बेत्रीलाई, नेगमम सूती साड़ी, मैलाडी स्टोन कार्विंग, थैक्कल रतन शिल्प, सोलाबंदन बेत्रीलाई, मन्नत पर्राई, मुरुक्कू, ये सभी को 2023 में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, 2023 में अभी तक कुल 33 प्रोडक्ट को, विभिन्न राज्यों से 33 प्रोडक्ट को GI टैग प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन है, ब्राजील के सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के सवाना के घास के मैदान को कंपोज के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व में घास के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इसको हम देखते हैं तो सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सिल्वास कहा जाता है। उत्तर अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में सवाना कहा जाता है। वेनेजुएला या दक्षिण अमेरिका महादेश के वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपास कहा जाता है। आपसे जो पूछा है सवाना घास का मैदान,
सवाना घास के मैदान को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? उसे ही कैंपोस के नाम से जाना जाता है या कैंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके अलावा पटाना जो है वो श्रीलंका की उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका जो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है वहाँ के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन, जबकि ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पोर्टलैंड कहा जाता है। यूरोप या यूरेशिया के घास के शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। हंगरी में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास के मैदान को कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, यानी रक्त क्षीणता हो सकता है, खून की कमी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। देखेंगे लौह अयस्क की कमी से एनीमिया या अरक्तता या रक्त क्षीणता या खून की कमी नामक रोग होता है। लौह यौगिक हमारे शरीर में हीमेटीन के रूप में आरबीसी के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसके अलावा रिकेटस बच्चों में होने वाला विटामिन डी की कमी से या कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग होता है, जबकि अस्कर्वी विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला एक रोग होता है। ग्वाइटर या गलगंध जो होता है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है स्पेक्ट्रम से कुल 7 रंग के सफेद रंगों से 7 रंग जो होता है वो बाहर निकलता है स्पेक्ट्रम के माध्यम से, जिसे भीप कियोर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड के रूप में जिसे जाना जाता है। क्लियर। अब सबका तरंग दैर्ध्य की बात कर लेते हैं तथा उसके आवर्त का भी, आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सभी रंगों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, जबकि आवृत्ति सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम होता है, विक्षेपण सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्लियर। केवल एक ही चीज, तरंग दैर्ध्य, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है बाकी कुछ चीज उसके बारे में पूछते सब चीज उसका कम होता है। इसी चीज को आप कंसेप्ट को याद रखेंगे। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 625 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच होता है। नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य 590 से 625 नैनोमीटर होता है। पीला रंग का तरंग दैर्ध्य 565 से 590 नैनोमीटर होता है। हरा रंग का तरंग दैर्ध्य 520 से 565 नैनोमीटर होता है। नीला रंग का तरंग दैर्ध्य 445 से 520 नैनोमीटर के बीच होता है। इसके अलावा जामुनी का तरंग दैर्ध्य 425 से लेकर 445 नैनोमीटर के बीच होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 380 से 425 नैनोमीटर के बराबर होता है। एक तरफ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, आप इसे भी रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन के लिए सरकार की कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बड़ा इम्पोर्टेंट है, गरुड़ एरोस्पेस है क्या, जरा समझिएगा। 11 अप्रैल 2023 को अपने कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। एग्री ड्रोन का मतलब कृषि ड्रोन, सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी हो गई है गरुड़ एरोस्पेस। यह गरुड़ एरोस्पेस जो है वो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन के डिजाइन करने या उसके निर्माण करने या उसे अनुकूलित करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके जरिए कृषि सर्वेक्षण, पोही और निगरानी जैसी विविध जरूरतों तथा आवश्यकताओं को सटीकता के साथ पूरा किया जाता है। इस गरुड़ एरोस्पेस की शुरुआत अग्निश्वर जयप्रकाश के द्वारा 2015 में किया गया था, अर्थात गरुड़ एरोस्पेस का जनक अग्निश्वर जयप्रकाश को माना जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। क्लियर है। तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन के लिए सरकार की कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है और इस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमिनदेई, सांची, सारनाथ और सहस्राम स्थानों के बीच क्या समानताएं हैं? तो इन सभी स्थानों पर से अशोक के स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। रुमिनदेई, सांची, सारनाथ,
सहस्राम में अशोक का स्तंभ लेख स्थित है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या भारतीय इतिहास में 7 प्राप्त हुई है, जो सभी ब्राह्मी लिपि में है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अशोक के स्तंभ लेख शिलालेख लिखने की शुरुआत किसने की? अशोक के द्वारा किया गया था। इन्होंने ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेनिक भाषा में शिलालेख को लिखा है, अपने अभिलेख को लिखा है। अब यह अभिलेख जो है वो स्तंभ लेख के रूप में भी है, शिलालेख के रूप में भी है, गुहा लेख के रूप में भी है। यानी कि अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। और यह अभिलेख जो है वो 3 प्रकार से मिलता है, एक स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुफा लेख, जिसे गुहा लेख भी कहा जाता है। स्तंभ लेखों की संख्या अशोक का स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। और ये सभी स्तंभ लेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, जो अलग अलग 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख की बात करें तो रुम्मिनदेही स्तंभ लेख है, और इसी स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? तो भारतीय प्रेस काउंसिल जो है एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय होता है। भारतीय प्रेस काउंसिल जो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में संसद से पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रेस काउंसिल जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पहले है क्या, इसको समझेंगे, जरा देखिएगा। कोरोमंडल तट जो है वो भारत का पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का एक हिस्सा है, जिसका विस्तार उत्तर में महानदी घाटी से लेकर, उत्तर में महानदी घाटी मतलब उड़ीसा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी घाटी तक फैला हुआ क्षेत्र है, जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर जाड़े के मौसम यानी अक्टूबर से नवंबर में लौटते हुए मॉनसून, जिसे कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मॉनसून से वर्षा सबसे ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोरोमंडल तट में अक्टूबर नवंबर महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन किस मॉनसून के प्रभाव से? तो लौटते हुए मॉनसून, जिसे उत्तर पूर्व मॉनसून कहा जाता है, इसके द्वारा यहाँ पर बारिश होता है। क्लियर? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। जरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, तो AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना इसके द्वारा NM जोशी के द्वारा किया गया था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में, इसकी स्थापना AITUC की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बहुत बार आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इसकी स्थापना कहाँ, कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना NM जोशी ने की थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में की थी, और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में ही हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह प्रांत कौन सा है? तो वह प्रांत ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम प्रांत में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह वूलगार्डी और कालगुर्डी ये दोनों सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ऑस्ट्रेलिया में 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम सोने की खोज की गई थी, सोने के खान की खोज की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और कालगुर्डी और वूलगार्डी जो है वो सोने की खान के लिए ही जाना जाता है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन करता है? तो अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम, कहने का मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास होता है। ध्यान दीजिएगा कि अजय वॉरियर भारत एवं ब्रिटेन देश के थल सेना के बीच, अजय वॉरियर जो है वो भारत और ब्रिटेन के थल सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास होता है। इसके अलावा देखा जाए तो कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच ही दोनों देशों के बीच त्रिसेवा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास होता है। त्रिसेवा का मतलब थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के बीच, दोनों देशों के बीच कोंकण शक्ति का अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे भारत और फ्रांस के बीच वर्म जो कि नौसेना के बीच, तथा शक्ति जो थल सेना के बीच, इन्हीं दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। यानी
भारत फ्रांस के बीच वरुण जो नौसेना और शक्ति जो थल सेना के बीच दोनों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसके अलावा अमेरिका एवं भारत के बीच जो सैन्य प्रशिक्षण अभियान है उसकी चर्चा करेंगे। तो ट्राइगर ट्रायम्फ जो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा अभ्यास जो कि तटरक्षक बलों के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच थल सेनाओं के बीच होता है, युद्ध अभ्यास जो थल सेना के बीच भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच युद्ध अभ्यास संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक नामक थल सैनिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी का तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो वो है रूस के सहयोग से स्थापना किया गया है बरौनी तेल शोधन शाला का। जरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, यह बरौनी तेल शोधन शाला जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है और इसकी स्थापना सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ उस समय, क्योंकि 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1964 ईस्वी में रूस नहीं था, रूस का विभाजन 1991 ईस्वी में हुआ, तो 1964 ईस्वी में सोवियत संघ था जो वर्तमान रूस है, तो सोवियत संघ कहेंगे या रूस कहेंगे। तो इसकी सहायता से जुलाई 1964 ईस्वी में किया गया था। भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम में स्थित है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1901 ईस्वी को किया गया था असम वाइल कंपनी लिमिटेड के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन शाला वर्तमान समय में जामनगर रिफाइनरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और यह जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक एकेडमिक विंग और एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी है जो पंजाब के पटियाला शहर में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना 7 मई 1961 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो भारत और म्यांमार के बीच ऑप्शन में है अकाई पर्वत श्रृंखला, खासी पटकोली और अराकानियोमा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में तो वैसे है अराकानियोमा भारत और म्यांमार के बीच है, लेकिन खासी और पटकोली भू पर्वत श्रेणी ये भारत और म्यांमार, खासी खास करके भारत और म्यांमार के बीच नहीं है, तो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब एनालिसिस पर देखेंगे, अराकानियोमा पर्वत श्रेणी पश्चिमी म्यांमार में स्थित है जो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है और इस अराकानियोमा पर्वत में कई प्रमुख पहाड़ियां हैं जैसे नागा, चीन, लुसाई एवं पटकाई भूम पर्वत श्रेणियां इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पटकोली भूम पर्वत श्रेणी और अराकानियोमा तो भारत और म्यांमार के बीच है, लेकिन खासी जो है वो मेघालय का हिस्सा है न कि म्यांमार का हिस्सा है, सॉरी भारत का हिस्सा है और भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है जहां अराकानियोमा और पटकोली भूम पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्फीति के समय के दौरान कर की दरों निम्नलिखित में से क्या होता है? कर की दरों में क्या हो सकता है मुद्रा स्फीति के समय? आप समझेंगे मुद्रा स्फीति क्या होता है, तो इसको समझने के लिए जरा एनालिसिस पर ध्यान देंगे। इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति या इसे ही महंगाई भी कहा जाता है। मुद्रा स्फीति का मतलब आम बोलचाल की भाषा में आप ये समझेंगे कि मार्केट में तरलता की अधिकता हो जाना। स्फीति का मतलब होता है फैलाव, अब मुद्रा का मतलब होता है मनी, तरलता, अब मुद्रा का फैलाव हो गया मार्केट में बहुत ज्यादा, इससे क्या होगा महंगाई हो जाएगा, हर एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि हर एक के पास पैसा है, सभी के पास पैसा है, तो ऐसे स्थिति में वस्तु जो होगा वो महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा सभी के पास है और वस्तु कोई भी लेना चाहेगा आसान तरीका से, तो ऐसे स्थिति में डिमांड ज्यादा हो जाएगा लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसके कारण से वस्तु का रेट जो होता है, कीमत जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो महंगाई जो होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में मुद्रा स्फीति को ही महंगाई कहा जाता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है यानी मांग ज्यादा हो गया आपूर्ति कम हो गया, क्लियर, या आपूर्ति ही कभी कभी ज्यादा हो जाता है और मांग कम हो जाता है यानी दोनों के बीच असंतुलन पैदा हो गया, खास करके मांग की तुलना में आपूर्ति की कमी हो जाता है,
तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रा स्फीति भी कहा जाता है। भारत में मुद्रा स्फीति दो प्रकार से मापा जाता है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर? तो आपका सही आंसर इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा स्फीति के समय कर की दरों में वृद्धि हो जाती है, यानी महंगा कर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुकुरल एक तमिल साहित्य है, एक तमिल साहित्य है, जरा देखेंगे जो क्या है। तो तिरुकुरल जो है वो एक तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर ने ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईस्वी की छठी शताब्दी ईस्वी तक किया था, जिसे कुराल के नाम से, इसी तिरुकुरल को कुराल के नाम से भी जाना जाता है, और यह नीति शास्त्र की सबसे महान रचना है। क्लियर? तो यह एक नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी, यह एक नीति शास्त्र है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा रूपी बृहद्रथ किसका भाग होता है? सिग्मा रूपी बृहद्रथ जो होता है वो बड़ी आंत का हिस्सा होता है। अब देखेंगे सिग्मा का आकार कैसे होता है, इस आकार में सिग्मा को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? तो सिग्मा रूपी बृहद्रथ बड़ी आंत का भाग होता है जो मलाशय एवं फुदा से संबंध होता है। यहाँ देखिए सिग्मोइड कोलोन है, ये बड़ी आंत है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बड़ी आंत का हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे निचला हिस्सा ये रेक्टम यानी गुदा का ये हिस्सा के ऊपर जो है ये है सिग्मोइड कोलोन। इसके बाहरी संरचना को कोलोन कहा जाता है। तो ये सिग्मोइड कोलोन होता है और यह बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी, राजधानी लिखा हुआ है यहाँ, बनाएंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन दो भारतीय शहर जोड़े जाएंगे? तो वो दो भारतीय शहर जो होंगे वो दिल्ली और मेरठ को जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय राजधानी परिवहन क्षेत्रीय परिवहन निगम ने 11 अप्रैल 2023 को घोषणा की कि दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल को रैपिड एक्स कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 301 किससे संबंधित है? तो सुपर 301 जो है वो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित समझौता है। अब जरा देखेंगे सुपर 301 या स्पेशल 301 इसी को कहा जाता है, अमेरिका व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 ईस्वी की धारा एक धारा है, और इसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जा सकती है, आर्थिक कार्यवाही की जा सकती है। क्लियर? यह एक धारा है अमेरिका में जो सुपर 301 के रूप में है, और इसको यह अधिकार देता है अधिनियम 1988 के तहत कि किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही कर सकता है अमेरिका। अतः यह एक मुक्त व्यापार में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आर्थिक कार्यवाही शुरू कर देगा किसी भी देश के साथ तो मुक्त व्यापार होने में तो अवरोध ही होगा, तो वह एक मुक्त व्यापार में अवरोधक है सुपर 301, और इस 301 को WTO की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है, क्योंकि WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यह मुक्त व्यापार नीति अपनाता है, तो इसका विपरीत संस्था जो है वो सुपर 301 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो यह बिहार में शुरू किया गया एक पोषाहार योजना है। देखेंगे पूरक पोषाहार कार्यक्रम जो है यह योजना राज्य की सभी 38 जिलों की 544 विकास परियोजना के तहत कुल 11,04,718 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य या कुपोषित या अति कुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती या शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपया, अति कुपोषित बच्चा जो है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चा बेचारा जो है, सबसे ज्यादा भूखा बच्चा जो है खैक है वह 12 रुपया उसको, तथा गर्भवती या प्रसूति महिला जो है उसको 9.5 रुपया निर्धारित किया गया है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति के द्वारा बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जेजीरो क्रेटर कहाँ स्थित है? तो जेजीरो क्रेटर जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी खोज मार्स रोवर, नासा के मार्स रोवर के द्वारा किया गया है। जरा देखेंगे, जेजीरो क्रेटर जो है यह मंगल ग्रह पर स्थित माना जाता है कि मंगल ग्रह पर स्थित है और माना जाता है कि इसी बीच प्लेनेशिया का निर्माण उल्का पिंड के टकराव के बाद हुआ था। इसका निर्माण इसे नासा के परसीवेरेंस मार्स रोवर के द्वारा खोज किया गया। ये जगह जो है वो क्यूरियोसिटी से करीब 3700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन सा है? तो श्रीमती रेखा शर्मा जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है, क्या अध्यक्ष कह सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है। इस आयोग यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पहली अध्यक्षता श्रीमती जानकी पटनायक के द्वारा किया गया था। यानी इसके पहले अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थे 31 दिसंबर 1992 में जब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक निम्नलिखित में से क्या था? तो गुप्त राजाओं के द्वारा धारित एक उपाधि थी परम भट्टारक। परम भट्टारक या परम भागवत जिसे कहा जाता है, परम भागवत या परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त था और अनेक गुप्त शासकों के द्वारा परम भट्टारक की उपाधि धारण की गई थी। परम भागवत या परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला उत्तर भारत का सबसे अंतिम शासक हर्षवर्धन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। जबकि रिक्स डोग जो है वो स्वीडन की संसद है, कॉर्टेस जो है वो स्पेन की संसद है और कांग्रेस जो है वो अमेरिका की संसद को कहा जाता है, जबकि भारत की संसद को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है और ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मीर कासिम के द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया गया था राजधानी 1760 ईस्वी में। क्लियर। नवाब मीर कासिम ने 1760 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा दिया था और मुंगेर को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,